सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लक्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। आप इतनी बड़ी तादाद में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज मेरी इस कर्म भूमि पर पहुंचे, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आपने पिछले दिनों प्रजातंत्र की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत जिला परिषद ब्लॉक समिति के चुनाव में पार्टी के साथियों को जो एक भारी जीत दिलवाई, उन तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद और बधाई देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में छोटी और बड़ी सरकार मिलकर के हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगी, चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करने का काम करेगी। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज पार्टी का पांचवा स्थापना दिवस है। चार बरस पहले आपने पांडु पिंडारा की धरा पर संगठित होकर के अपनी ताकत, अपना प्यार, अपना लाड, अपना दुलार एक इस होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखने का काम किया। और थोड़े से समय में आपने देखा कि 10 महीने की पार्टी ने आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, प्यार, लाड और दुलार से ना केवल 10 विधायक हरियाणा प्रदेश में चुन करके भेजने का काम किया, बल्कि 17.5% वोट भी आपने पार्टी को दिए। और उसी की बदौलत ये होनहार हरियाणा प्रदेश के उन विधायकों की बदौलत सरकार में राजभाग में हिस्सेदार बने। जैसे ही राज बना, तुरंत आपने देखा कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी किसान आंदोलन चल पड़ा और उसके टारगेट भी सबसे ज्यादा हम रहे। आप लोग देखते थे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में उस किसान आंदोलन के दौरान एक ही बात होती थी, दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उन्होंने क्या हासिल किया आपको मेरे से ज्यादा पता है। चाहे वो हरसिमरत कौर थी, चाहे वो अभय सिंह चौटाला थे, आपके सामने आज उनकी स्थिति क्या है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज से चार वर्ष पहले विपरीत परिस्थितियों में हमने अपनी पुरानी पार्टी को कहा था, ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, विधायक भी आपके, वोट भी आपके, परंतु आप इसे संभाल करके रखना। आज मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी आज वो सिमट करके एक पे आ गए। और दूसरी तरफ आप लोगों की ताकत की बदौलत जननायक जनता पार्टी परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। चाहे वो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, निरंतर जननायक जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपके सहयोग से हमने मेंबरशिप अभियान जो चलाया उसमें भी आपने 2 गुने से ज्यादा पार्टी की मेंबरशिप करके एक अलग ताकत देने का काम किया। बेघर किए थे, बेदखल किए थे, बेनिशा किए थे, खाली हाथ बिना सहारे घर से निकाल दिए थे। रास्ता चुना संघर्ष का, चुनौती का, पसीने का, सच पर थे तो लाखों लोग हमारे साथ चल दिए। और आज उसी का परिणाम है
कि आप राजभाग के मालिक हैं। जब आप राजभाग के मालिक हुए तब वो लोग कहा करते थे ये गठबंधन 15 दिन का है, कभी कहते थे महीने का है, कभी कहते थे 6 महीने का है, परंतु निरंतर 3 साल से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने आपके बीच में जो चुनाव घोषणा पत्र के जरिए बातें कही थी उन बातों को कानूनी रूप से अमलीजामा पहना करके कानून बनवा करके हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया। जैसा आपको दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जो जो बातें उन्होंने कही उन सारी बातों को पूरा करने का काम किया। 60% वायदे हमने 3 साल में पूरे किए और बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों जो 40% बातें बाकी हैं, मैं आपको इस मंच से यकीन विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि उनको भी पूरा करने का काम करेंगे, उनको भी बाकायदा कानूनी रूप से अमलीजामा पहना करके आपके बीच में लागू करने का काम करेंगे। पर ये सारी बात आपके सहयोग से संभव हो पाएगी, इसलिए मेरी आपसे भी विनती और गुजारिश है कि आप ये अपना प्यार लाड दुलार और सहयोग इसी तरीके से निरंतर बढ़ा करके रखें। इस होनहार नौजवान को आप लोग समय समय पर अपनी ताकत देने का काम करें। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि ये आपको निराश नहीं होने देगा, निराश करेगा नहीं। चौधरी देवीलाल जी के सपनों पे चलने वाली जननायक जनता पार्टी उनके सपनों को साकार करके आपके बीच में दिखाने का काम करेगी। यही विश्वास और भरोसा दिलाते हुए मैं आप सब लोगों का पुनः एक बार इस पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।